ज्योग्राफी में आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम, और आज हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको सारे एस्पेक्ट से कवर करेंगे हम, रिवर्स के ओरिजिन, फॉर्मेशन, किस किस तरह से आप रिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं, और फिर कौन कौन से रिवर सिस्टम हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। दो मेजर रिवर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, एक हिमालयन और दूसरा पेनिनसुलर। इसमें से हिमालयन रिवर सिस्टम आज कम्प्लीटली कवर होगा, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम पार्ट टू में कवर कर दिया जाएगा। हम तो कवर आज ही कर दें लेकिन आप सहार नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए, जो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम है इसको समझने के लिए कुछ यूनिक एस्पेक्ट हमारे देश की नदियों का समझना होगा आपको, वो क्या है। अब जब हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, डीप गॉर्जेस, कैनियन, इस तरह के एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इनको जस्टिफाई करने के लिए आपको रिवर के ओरिजिन को समझाना बहुत जरूरी है, तभी ये जस्टिफाई हो पाएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये आप सभी जान चुके हैं पहले के लेक्चर से कि ये जितनी भी नदियां हैं तकरीबन हिमालयन बेल्ट से ही होकर के निकलती है। हिमालय के बारे में हमने जाना कि हिमालय की तीन पैरेलल रेंजेस हैं, शिवालिक, मिडल हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, ठीक है, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, और इन तीन रेंजेस के आगे जो हिमालयन रेंजेस हैं वो है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस में जास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम, ये रेंजेस एग्जिस्ट करती हैं। तो नदियों का उदय भी इन पर्टिकुलर रेंजेस से होके आएगा, और काफी हद तक नदियां आपको इन हिमालयन रेंजेस के आगे, ग्रेट हिमालय के आगे, ये जो तिब्बतन प्लेट्यू है यहां से निकलती हुई भी दिखेंगी। कुछ रिवर्स ग्लेशियर से ओरिजिनेट होंगी, कुछ रिवर्स लेक्स से निकलती हुई दिखेंगी, कुछ रिवर्स तीन से चार हेड रिवर्स या हेड वाटर्स के कन्फ्लुएंस से बनती हुई दिखेंगी। सबके सोर्सेज कहीं ना कहीं डिफरेंट रीजन से बनते नजर आएंगे, ओके? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिन होती हैं, दे आर पेरेनियल, ये सदाबहार हैं, सारा साल रहती हैं, ओके? चलिए इन पॉइंट्स को मैं जस्टिफाई करने का प्रयास करता हूं, कैसे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसी समय में नॉर्दर्न साइड पे एक अंगारा लैंड होता था और साउथर्न साइड पे एक गोंडवाना लैंड होता था। इन दोनों लैंड के बीच में टेथिस सी हुआ करता था। जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आई, जिसमें आप ये कहते हैं कि गोंडवाना लैंड वाली प्लेट नॉर्दर्न साइड की तरफ जा रही है, यानी कि इंडियन प्लेट ये एशियन प्लस यूरोपियन यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, तो इंडियन प्लेट सबडक्ट कर जाती है, और इंडियन प्लेट और इस यूरेशियन प्लेट के बीच में जो जियो सिंक्लाइन है टेथियस नाम का, उसका अपलिफ्टमेंट होता है। तो एक थ्योरी रिवर के फॉर्मेशन को जस्टिफाई इस बेसिस पे करती है कि ये जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द रिवर, ये जो अपलिफ्टमेंट होता है, इस अपलिफ्टमेंट के दौरान एक मीडियन मास क्रिएट होता है। मीडियन मास वो कौन है? द तिब्बतन प्लेट्यू। और उस मीडियन मास के साउदर्न एंड पे ग्रेट हिमालयन रेंज है, और उस मीडियन मास के नॉर्दर्न एंड पे कुल्लून रेंज है। कुल्लून माउंटेन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज, बीच में ये मीडियन मास, दैट इज द तिब्बतन प्लेट्यू। और इस मीडियन मास के रेज होने की वजह से वो जो टेथिस सी पर्टिकुलरली हुआ करता था, वो टेथिस सी का जितना भी पानी है, एक थ्योरी ये है कि वो रिवर्स की फॉर्म ले जाएगा। और ये जो मीडियन मास अब रेज हुआ है, इसकी जो साउथर्न स्लोप होगी इंडिया की तरफ, यहां से रिवर्स फ्लो करने शुरू हो जाएंगे। एक ये एस्पेक्ट है। और रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं, वो ईस्ट वेस्ट पाथ इसलिए बना देंगी क्योंकि उसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, वो है ग्रेट हिमालयस। तो ग्रेट हिमालयस की ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से वो वेस्ट ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ चले जाएंगे, सीधे नहीं जा पाएंगे। कहानी क्लियर? लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिमालयस का अपहीवल 3 सक्सेसिव स्टेजेस में हुआ है, एक बार में नहीं हुआ है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकेंड अपहीवल होगा. जब सेकेंड अपहीवल होगा उस टाइम पर तिब्बतन प्लेच्यू और रेज होगा, क्योंकि हर अपहीवल में जो पहले के फॉर्मेशन हैं वो और रेज होंगे. तिब्बतन प्लेच्यू और रेज होगा, इनके साउदर्न स्लोप से आने वाली रिवर्स का जो हेडवर्ड इरोजन है, जो फ्लो है, वो और फास्ट हो जाएगा और इसकी वजह से ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस को काट देंगी और काट करके डीप गॉर्जेस बना करके आगे निकल जाएंगे. लेकिन इसी सेकेंड अपहीवल के समय में आपने देखा कि मिडल हिमालयन रेंजेस भी तो एग्जिस्टेंस में आ गई हैं. तो अब ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हो जाएंगी, ईस्ट वेस्ट वैलीज. रिवर वेस्ट की तरफ निकल गई, रिवर ईस्ट की तरफ निकल गई. देन थर्ड अपहीवल होगा और थर्ड अपहीवल के टाइम पे तिब्बतन प्लेच्यू और रेज होगा, ग्रेट हिमालय और रेज होगा. तो तिब्बतन हिमालय के रेज, हिमालय के तिब्बतन प्लेच्यू के रेज होने से उसके साउथर्न स्लोप से रिवर और फास्ट. फिर ग्रेट हिमालय भी रेज हुआ तो उसके भी साउथर्न स्लोप से रिवर्स आ रही हैं, वो भी और फास्ट. और इसकी वजह से अब ये मिडल हिमालय को काट देगी और मिडल हिमालय को काटने के बाद ये आगे जाकर के सेटल हो जाएंगी. क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अपहीवल हुई है, इस अपहीवल के समय में आपको नजर आ रहा है शिवालिक भी, शिवालिक. तो यहां पर भी ईस्ट वेस्ट वैलीज बन जाएंगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम नदियों में प्रवाह इतना है और 5 सेंटीमीटर हर साल इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जा रही है. जितने भी हिमालयन माउंटेन्स की हाइट रेज हो रही है, दे आर स्टिल इन द यूथफुल स्टेज. तो ये शिवालिक को भी काट करके निकल आएंगी. यही कारण है कि जितनी भी हिमालयन नदियां हैं उनमें से काफी हद तक जो नदियां हैं वो पर्वतों के पीछे से पर्वतों को काटते हुए आ रही हैं. तो ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज वो होती है जो माउंटेन बिल्डिंग के पहले एग्जिस्ट कर रही थी, फिर रास्ते में उसके माउंटेन आ गया, उसने माउंटेन को चीर दिया और उसके पहले से, तो एंटे उसके पहले से है, ठीक है. तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न ऐसा देखने को मिलता है. जैसे क्लियर कट एग्जांपल है, ये जो इंदस है, ये इंदस तिब्बतन प्लेच्यू के रीजन से मानसरोवर लेक के एरिया से निकल रही है और ये हिमालयन रेंजेस को काटते हुए जा रही है. यहां पर आप सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट हिमालयन रेंजेस आ जाएंगी. जैसे ये लद्दाख रेंज को काटते हुए चली जाएगी ऊपर और उसके बाद ये यहां पर जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस का रीजन आएगा इसको काट करके नीचे की तरफ आ जाएगी. इसने हिमालयस को काट दिया. ठीक इसी तरह से अगर हम सतलुज की बात करते हैं तो सतलुज भी मानसरोवर लेक के रीजन से निकलेगी और सभी हिमालयन रेंजेस को काटते हुए आगे आ जाएंगे. इसी तरह से आप आगे चले जाएंगे, गंडक का भी यही हाल है और घाघरा का भी यही हाल है, काट करके निकल आएंगे. तो एंटीसीडेंट ब्रह्मपुत्र भी सारे हिमालय को नॉर्थ ईस्ट से काट के दिहांग नदी के नाम से गॉर्ज बनाते हुए गिरती है और सबको काट देती है. तो दे आर एंटीसीडेंट ड्रेनेज. और दूसरा कंसेप्ट यहीं से प्रूफ हो गया कि ये बहुत ही डीप गॉर्जेस बनाते हैं. इनके सामने चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते थे हर बार, इसकी वजह से ये लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं ना, इसकी वजह से ये ट्रांसवर्स की जगह लॉन्गिट्यूडनल हो जाती थी, लेफ्ट राइट हो जाती थी क्योंकि सामने ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता था. तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी प्रूव हो गई है. ठीक है, अब एक रिवर निकली है, उसने अपना ट्रांसवर्स रास्ता बना लिया है, लेकिन अपहीवल सक्सेसिव स्टेजेस में हो जा रहा है और इस अपहीवल की वजह से वो जो नदी बह रही है, वो नदी के दोनों जो बैंक हैं, दोनों किनारे हैं, वो अपहीवल कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे. जब राइट वाला करेगा नदी लेफ्ट स्किट कर जाएगी, जब लेफ्ट वाला राइज करेगा नदी राइट स्किट कर जाएगी. कहीं ना कहीं नदी का बॉटम, नदी डीप होती जा रही है, सराउंडिंग रीजन रेज होता जा रहा है. तो नदी को जब आप ऊपर से देखेंगे, जैसा कि बहुत जबरदस्त कैनियन बनाती है ये इंदस रिवर तिब्बतन वेस्टर्न रीजन में इंडिया में एंटर होने से पहले, और आपको बहुत ही 900 मीटर डीप नजर आती है और ऊपर से देखेंगे तो जैसे कोलोराडो नदी पे ग्रेट कैनियन बनता है, ऐसा कैनियन बनता नजर आएगा. दोनों तरफ ऊंची घाटियां और बीच में नदी गुजर रही है तो कैनियन बनेगा. ये भी अपहीवल का प्रमाण. इस तरह के फीचर हिमालय की नदी से जुड़े हुए हैं. तो एक ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई जो मोस्ट प्लॉजिबल एंड एक्सेप्टेबल है, ओके. और इस थ्योरी को हम मल्टीपल रिवर थ्योरी के तौर पे भी जान लेते हैं.
कि साइमल्टेनियसली ही नदियां एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, लेकिन एक इसके अलग भी थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है? वो थ्योरी ये कहती है कि किसी जमाने में एक इंडो ब्रह्म नदी हुआ करती थी, या उसको शिवालिक नदी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि जहां पर आज आपको शिवालिक रेंज नजर आती है, एग्जैक्ट उसी जगह से वो रिवर कभी फ्लो होती थी, और ये कहा गया है कि वही शिवालिक जो रेंज है, वो जिस रिवर के सेडिमेंट से बनी है, वो रिवर सेडिमेंट इसी सिंगल रिवर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक रिवर नजर आएगी, ये देखिए, जो बिल्कुल शिवालिक रेंज के रीजन को ही ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है। और ऐसा कहा जाता था कि ये इसकी शुरुआत होती है लगभग ईस्ट में, ये असम के रीजन से आ रही है, और ये वेस्टवर्ड आप देख सकते हैं पूरा का पूरा रावलपिंडी तक गई है, उसके बाद ये साउथवर्ड बेंड कर गई। लेकिन इस जमाने में माहौल भी अलग होता था। ये जो आपको गल्फ नजर आ रही है, ये गल्फ सिंध के एरिया को क्रॉस करके पूरा नॉर्थवर्ड आगे हरिद्वार तक मानी गई थी, इतनी बड़ी गल्फ हुआ करती थी। ओके, और ये नदी फिर उसमें जाकर के ऐसे फॉल किया करती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी नदी की जगह पर शिवालिक पर्वत बन गया। ये नदी कैसे बनी है? ऐसा कहा गया कि वो जो टेथिस सी नैरो होता चला गया, वो इस रिवर की फॉर्म में बच गया था। तो ओरिजिन ऑफ द रिवर क्या है कि टेथिस सी जो कि नैरो होता चला जा रहा है ड्यू टू द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ऑफ द टू प्लेट्स, दैट इज इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। तो वो अब जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक वो क्रेस्ट फॉर्म में इस इंडो ब्रह्म या फिर शिवालिक रिवर की वजह से वो बच गया। लास्ट में शिवालिक रिवर उसी की फॉर्म में बच गई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो नदी है अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अलग नदियों में बढ़ जाएगी। उसके रीजन्स फिर क्या दिए गए कि अब इससे एक ब्रह्मपुत्र नदी बनेगी और एक इंडो इंडस नदी बन जाएगी। वो कैसे जस्टिफाई किया गया? आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपहीवल्स हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि एक अपहीवल जो प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ है वेस्टर्न रीजन में, ये वेस्टर्न रीजन में, तो इस वेस्टर्न रीजन में जब प्लेस्टोसीन पीरियड में अपहीवल हुआ तो वो जो एक कंप्लीट कंटिन्यूड वर्जन ऑफ द रिवर था, उसका वेस्टर्न रीजन जब अपलिफ्ट हो गया, तो वो वेस्टर्न रीजन अपलिफ्ट होने से उस रिवर की वेस्टर्न ब्रांच मेन ब्रांच से सेपरेट हो गई और वो इंडिपेंडेंटली फ्लो करने लगी इंडस की तरह। आई बात समझ में? इंडस की तरह वो फ्लो होने लग गई, और धीरे 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 ये जितनी भी उसकी ईस्टर्न ब्रांच बची है, क्योंकि वेस्टर्न रीजन में अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो ईस्टर्न रीजन रिसीड करता चला जा रहा है, वो रिसीड होता चला जा रहा है, और ऐसे में हेडवर्ड रीजन से उन रिवर्स के नॉर्थ से भी, वो एक जो माइटी रिवर है उसके नॉर्थ से भी कुछ रिवर्स माइटी निकलने शुरू हुई है, तो उन्होंने इस रिवर को कैच कर लिया और कैच करके डाउनवर्ड साउथवर्ड फ्लो कराना शुरू कर दिया, तो ये ब्रह्मपुत्र बन गई। ये थ्योरी उनके द्वारा दी जाती है। और अपलिफ्टमेंट हुए हैं, जैसे वेस्टर्न रीजन आप देखेंगे तो कोतवार प्लेच्यू ये पर्टिकुलर रीजन ये अपलिफ्ट हुए हैं, ये प्रमाण है। और ये अपलिफ्टमेंट का ही प्रमाण है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जब हम श्रीनगर में झेलम को देखते हैं तो झेलम जो मेंडरिंग नदी बलखाती है, ये मैच्योर टोपोग्राफी है, नदी बलखा रही है, लेकिन झेलम यूथफुल स्टेज में है, पहाड़ों पे है और मंडरा रही है, बलखा रही है, मतलब टोपोग्राफी जो शो कर रही है वो यूथफुल है, लेकिन जो रिवर मेंडर कर रही है वो मैच्योर स्टेज का, तो मतलब शायद रिवर कभी मैच्योर स्टेज में पहुंची थी, मेंडर कर रही थी, लेकिन फिर से अपलिफ्टमेंट हो गया और अब वो अपलिफ्टेड वर्जन में ही मेंडर कर रही है, तो यूथ भी है लेकिन मेंडरिंग फीचर भी है, तो उसका बैक उसका लोअर रीचेज एंड नेक्स्ट रीचेज यूथफुल स्टेज में और मिडल रीचेज उसी मैच्योर स्टेज में किसी ने अपलिफ्ट कर दी है, तो अपलिफ्ट के प्रमाण तो है, ये तो गारंटी की बात है। तो ये कहते हैं कि ये इस तरह से नदियां दो बन गई हैं, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम नई नदियां एग्जिस्टेंस में आई, उन्होंने इस इन दो अर्स्टवाइल ओल्ड रिवर्स को पकड़ करके अपने इंडिपेंडेंट रिवर चैनल्स बना दिए। ये ओके, इसकी खिलाफत की गई है बहुत से लोगों के द्वारा, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आसाम के रीजन में जो सेडिमेंट फॉर्मेशन पाया जा रहा है इतना थिक सैंडस्टोन और अदर एस्पेक्ट का, वो जस्टिफाई नहीं होता है इस नदी के द्वारा जो आप बता रहे हैं, वो एक प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ सेडिमेंटेशन है, वो इससे जस्टिफाई नहीं होता, ये एक एस्पेक्ट उनके द्वारा दिया गया है, और भी कुछ एस्पेक्ट दिए गए हैं, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुद्दे की बात की ये दो थ्योरी एग्जिस्ट करती है।
एंड बात यहां पे खत्म होती है कि दो फेजेस कंटिन्यूअस ही चल रहे हैं और साइमल्टेनियसली चल रहे हैं. वो क्या फेजेस होते हैं? नदियां एग्जिस्ट कर रही हैं तिब्बतन प्लेट्यू रीजन में, वो किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं. आप ये भी मान सकते हैं कि तिब्बतन प्लेट्यू के नॉर्दर्न रीजन में फ्लो कर रही हैं. तिब्बतन प्लेट्यू का अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उसकी वजह से उनका फ्लो साउथवर्ड आया है और उनके सामने ही बैरियर भी क्रिएट होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन. वो उनको काट रही है इस बदौलत कि उन्हें हर नए अपहीवल में एक नई हाइट मिलती है. इससे उनका हेडवर्ड इरोजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फर्दर एक डीप गॉर्ज बना करके आगे निकल जाती है, ट्रांसवर्स वैली बना देती है, जबकि पहले वो लॉन्गिट्यूडनल वैली में एग्जिस्ट करने लग जाती है. यही कारण है कि आज जब आप इन नदियों को देखते हैं तो ये नदियों के कोर्सेज बड़े पैमाने पर पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा तय किए गए. जैसे क्यों नॉर्थ वेस्ट जा रही है इंदस निकलने के बाद? क्योंकि लद्दाख रेंज उसको मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए. रिवर फ्लो कर रही होगी, लद्दाख रेंज निकल आई तो लद्दाख रेंज के साथ लग लग करके अब वो उस सिचुएशन में फ्लो कर रही है. सिंपल सी कहानी है. उसके बाद ब्रह्मपुत्र. अब देखिए लिटरली मानसरोवर के ईस्टर्न रीजन की विसिडिटी से ये निकल रही है और यारलंग सैंकपो के नाम से कंप्लीट पैरेलल जा रही है हिमालय के और फिर एंटर हो रही है. तो हो सकता है इसके सामने नई रेंज खड़ी हो गई और फिर ये ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैली में कन्वर्ट हो गई. इसलिए आपको एक कैओस नजर आएगा नदियों में. क्या? एक तो नदी फ्लो कर रही है और ये नदी को आकर के उसकी ट्रिब्यूटरी टच कर जाएगी. ये तो चलो एक नदी एक अपहीवल हुई, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ, फिर एक नई नदी निकली. लेकिन बहुत सारे मौकों पर ऐसा नजर आएगा आपको हिमालय में कि रिवर का फ्लो डायरेक्शन ये है, रिवर ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरी वेस्ट से ईस्ट आके टच हुई है. वो वेस्ट से ईस्ट, ये ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज होती है. ऑब्सिक्वेंट जो उल्टी आ रही है. रिवर इंदस नदी की बहुत सी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं यहां पे दिखा दूंगा आपको. इंदस ईस्ट टू वेस्ट जा रही है लेकिन ट्रिब्यूटरी वेस्ट टू ईस्ट आ रही है. ये सारा खेला कैसे बन रहा है कि पर्वत श्रृंखलाएं उठ रही हैं, इसकी वजह से इनके फ्लो ईस्ट वेस्ट डाइवर्ट हो जा रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली अपलिफ्टमेंट का फेज भी जारी है, इसलिए इन्हें हेडवर्ड इरोजन से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही ये रेज होंगी तो प्रेशर इनका बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, फिर ये ईस्ट वेस्ट पाथ में से ही एक रास्ता और ढूंढ लेंगी फ्रंट कटाई का, आगे कटाई का, तो फिर ये ट्रांसवर्स वैली बना देंगी. इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी आ तो साउथवर्ड ही रही है लेकिन कभी वेस्ट जाएंगी, फिर साउथ वेस्ट जाएंगी और फिर कंप्लीट साउथ होंगी. आप सारी नदियों को देख लीजिए, फिर कुछ ईस्ट जा रही है, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ होंगी और कुछ पूरा का पूरा 180 डिग्री का बेंड मारेंगी. अगर आप ध्यान से देखें ये ब्रह्मपुत्र, ये ध्यान गौर से पूरा बेंड इधर मार दिया. तो नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं टर्शरी पीरियड में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अपहेवल्स, चाहे वो ईओसीन पीरियड में हिमालय अपलिफ्ट हुआ हो, चाहे मायोसीन पीरियड में हुआ हो, चाहे प्लास्टोसीन पीरियड में हुआ हो. और दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, नदियों का बनना और पर्वतों का बनना. इसलिए नदियों को तेज प्रवाह मिल रहा है अपने सामने खड़ी नई पर्वत श्रृंखला को काटने के लिए, और पर्वत श्रृंखला भी शुरुआत में मजबूत है इसलिए वो ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को भी जन्म दे रही है. तो ये फीचर सारे पाए जाते हैं. बस ये समझ आना जरूरी था और कोई दिक्कत ही नहीं है. नदियों के फॉर्मेशन को अगर समझ जाए तो इनसे जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. यहाँ पे कैनियंस पाए जाते हैं, डीप गॉर्जेस पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, ये एंटीसीडेंट रिवर पैसेज ड्रेनेज, यहाँ पे रिवर कैच होता है, बहुत फास्ट रिवर कैचेस होती है. एक रिवर दो रिवर, एग्जांपल सुनो, यमुना इंदस की ट्रिब्यूटरी थी कभी. आज ये जो यमुना बड़े पैमाने पर इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिल जाती है, प्रयाग बनता है, ये यमुना कभी इंदस की ट्रिब्यूटरी थी, ये इंदस के साथ फ्लो करती थी. ठीक है, अपहीवल हुआ और इन रिवर यमुना का कोर्स थोड़ा सा ईस्टवर्ड शिफ्ट हो गया. अब यमुना इंदस में नहीं मिल, तो यमुना किससे जाकर के मिल रही है? यमुना राजस्थान के सूरतगढ़ में कंप्लीटली जाकर के मिल रही है सरस्वती नदी के साथ, और उसके आगे वो फ्लो कर रही है इन द नेम ऑफ घग्गर. घग्गर कुछ तो ये कहते थे कि यमुना
समुद्र में जाती नहीं है, वहीं जाके खत्म हो जाती थी अपने ही इंडिपेंडेंट नेम से। लेकिन फिर एक अपहीवल हुआ, यमुना और ईस्टवर्ड डाइवर्ट हुई, अब गंगा का फ्लो बहुत बड़ा है, उसे गंगा ने कैच कर लिया, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी बन गई। इसलिए आप देखिए गंगा से वेस्ट है वो, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन अंततः गंगा ने उसे खींच लिया। आई बात समझ में? तो ये अपलिफ्टमेंट के खेल है, कोई किसी की ट्रिब्यूटरी थी वो अब किसी की हो गई। तो हिमालय नदियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है कैचमेंट ऑफ द रिवर, ये कैच कर लेती है रिवर को एक दूसरी रिवर को। ओके, हायर अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड्स पे यंग टोपोग्राफी में भी सिम्टम्स ऑफ मैच्योर फेजेस मिल जाएंगे, रैपिड्स मिल जाएंगे, बहुत डीप गॉर्जेस मिल जाएंगी, इसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है, बिजली जब जबरदस्त। टिहरी डैम आप सबकी नजरों के सामने आपको पता है, सतलुज नदी का भाखड़ा नंगल डैम आपको पता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जुड़े हुए हैं हिमालयन नदियों के फॉर्मेशन से। ओके, नदियों किस किस हिसाब से हम काट देते हैं, नदियां किस किस हिसाब से डिवाइड की जाती हैं? सबसे पहले तो अगर आप देखें तो कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग रिवर का डिवीजन होता है, वेरी फर्स्ट। अब जब भी देखेंगे तो रिवर को इस फॉर्म में लिखा होगा कि ये रिवर छोटी है, ये रिवर बड़ी है। तो जो रिवर का कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है उन्हें हम कहते हैं मेजर रिवर्स, उन्हें हम कहते हैं मेजर रिवर, मेजर रिवर सिस्टम। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या रहता है? रिवर बेसिन। अच्छा, इसको समझना, घर पे जाके आप लोग घर जाते हो तो घर में एक वास बेसिन है आपका, उसके सेंटर में टैप लगी है, वो मेन रिवर मान लेना। और अब उस वास बेसिन में कितने भी हाथ धुलाओ, कितने भी पानी उछालो, अंततः वो पानी सारा इकट्ठा होके उसी सिंक में जाना है। तो मतलब वो सिंक, वो मेन रिवर का सिंक चारों दिशाओं से पानी कैच कर रहा है, वो उसका कैचमेंट एरिया है, सारी नदियां उसको आकर के पानी डाल रही हैं। जैसे गंगा का अपना एक प्रॉपर कैचमेंट एरिया है, जैसे चंबल, जैसे बेतवा, केन, सोन, यमुना, ऊपर से जितनी भी नदियां आ जा रही हैं, जैसे राम गंगा है, उसके बाद गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, कैचमेंट एरिया। ओके, और इसलिए हम कहते हैं असम ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, असम इज द बेसिन ऑफ द ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि सेंटर से ब्रह्मपुत्र है तो चारों दिशाओं से नदियां आके किसी में गिरेंगी, ब्रह्मपुत्र में। तो फिर वो पूरा किसका बेसिन हुआ? ब्रह्मपुत्र। तो इसीलिए घर में वो लगा हुआ क्या होता है? वाश बेसिन, इट इज अ बेसिन, बेसिन। ओके, तो सिंपल ऐसे ही याद करते हैं हम, तो बाकी देख लेंगे, और सत्य भी यही। तो कैचमेंट एरिया के हिसाब से जो मेजर रिवर सिस्टम है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जिसका एरिया मेजर, 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में जिसका एरिया है मीडियम, 2,000 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे जिसका है स्मॉल रिवर सिस्टम, ठीक है, माइनर रिवर सिस्टम, मेजर, मीडियम, माइनर, कैचमेंट के हिसाब से हो गया। तीसरा, दूसरा सिस्टम जो आ जाता है वो ओरिजिन के हिसाब से, जो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है वो हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन जो पेनिनसुलर से हो रही है वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, सिंपल। और जो हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल रिवर्स आ रही है, जैसे जो वेस्टर्न घाट्स और पर्टिकुलर रीजन से क्रिएट हो रही हैं, उनको आप कई सारे नामों से जान लेते हैं, जैसे सीजनल रिवर सिस्टम्स, सीजनल ड्रेनेजेस, या जो राजस्थान में एफेमेरल रिवर सिस्टम्स, इस तरह से ये तीन रिवर सिस्टम बनते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी ओरिएंटेशन के हिसाब से भी इन्हें डिवाइड किया जाता है। जो ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल है, दैट इज बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम। जो ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अरेबियन सी है, दैट इज द अरेबियन सी रिवर सिस्टम। ओके, तो ये सारा कंसेप्ट इनका डिवाइड किया गया है इस तरह से, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम है, अरेबियन सी रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, मेजर, मीडियम, माइनर रिवर सिस्टम है। ये सारे बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। लॉजिकली अगर हम देखें, अगर हम बेसिन एरिया के हिसाब से देखने का प्रयास करें, ड्रेनेज एरिया जिसको हम कहते हैं, ड्रेनेज एरिया के हिसाब से,
तो 77% हमारे देश की नदियां का ड्रेनेज एरिया जो है वो ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल है. 77% ड्रेनेज एरिया ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल है. 23% ओरिएंटेड टुवर्ड्स द अरेबियन सी है. लेकिन ड्रेनेज एरिया में एंड डिस्चार्ज ऑफ वाटर में फर्क होता है. देखिए वाटर डिस्चार्ज एंड ड्रेनेज एरिया में डिफरेंस होता है. अगर हम वाटर डिस्चार्ज के सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 90% वाटर डिस्चार्ज ऑफ इंडियन रिवर वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ओरिएंटेड है. 10% वाटर डिस्चार्ज अरेबियन सी की तरफ है. ये इतना लोपसाइडेड वाटर डिस्चार्ज और ड्रेनेज एरिया का सिस्टम क्यों है? ड्यू टू द वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड की बात करें तो कन्याकुमारी से, ये कन्याकुमारी से लेकर के नॉर्थवर्ड वेस्टर्न घाट होते हुए पूरा ये अजंता रेंज, उसके बाद दाविलगढ़ की हिल्स, महादेव हिल्स, और ये फर्दर आगे मैकाल रेंजेस, इसके बाद अगर वेस्टवर्ड देखें तो ये पूरा अरावली रेंजेस. तो ये एक वाटर डिवाइड है हमारी कंट्री, हरिद्वार तक जाता है ये वाटर डिवाइड. इसकी वजह से आप देखेंगे कि इसके ईस्टवर्ड एंड इसके वेस्टवर्ड रिवर चैनल्स है, यही है ना. ये देखिए ये वाटर डिवाइड है, ये एक प्रॉपर, एंड इट्स वेस्टवर्ड एंड इट्स ईस्टवर्ड. ये यमुना यहाँ से है ना, और इसके ऊपर सतलुज इधर चली जाती है ना. तो इंडस रिवर सिस्टम टुवर्ड्स द अरेबियन सी, गंगा रिवर सिस्टम टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, एंड ब्रह्मपुत्र टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, एंड गोदावरी, कृष्णा, महानदी सारे टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, बिकॉज ड्यू टू दिस वाटर शेड डिवाइड दिस इज इन द कंट्री. अगर आप नदियों के एनुअल यील्ड ऑफ वाटर की बात करें, एनुअली कितना वाटर मिल रहा है, तो लगभग 90 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है. इस 90 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर में से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रोक्स 34% अकेले ब्रह्मपुत्र कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. बच्चे गलती करते हैं, गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र 90 लाख मिलियन क्यूबिक मीटर में से अकेले 34%, तो 1/3 से भी ज्यादा ब्रह्मपुत्र ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. तो ब्रह्मपुत्र का एनुअल यील्ड ऑफ वाटर ज्यादा है. मोर टेंडेंसी टू द फ्लड्स, क्योंकि एक तो स्नो बाउंड रीजन से रिवर्स आ रही हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाई रेनफॉल प्रोन एरिया भी है. ये रेनफॉल भी बहुत जबरदस्त होता है, आप सब जानते हैं. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट भूमिकाएं थी. अब हम जो डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स में से हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर डिविजन सिस्टम को फॉलो करते हुए हिमालयन रिवर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं. इसमें तीन रिवर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला रिवर सिस्टम है इंदस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. चलिए बिगनिंग करते हैं इंदस रिवर सिस्टम से. इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे सारी, और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं.